ओम साई राम, हर हर महादेव। आज का रात्रि संदेश। जीवन में सबको सब कुछ नहीं मिलता है, लेकिन खुश किस्मत है वो लोग जिन्हें वक्त और समझ उस मालिक ने एक साथ दी है। क्योंकि अक्सर समझ इंसान को वक्त गुजर जाने के बाद आती है। हम दिन रात शारीरिक सुखों के पीछे भागते हैं और दिन रात मेहनत करते हैं कि किसी तरह हमारी इच्छाओं की संतुष्टि हो, हमारा मन संतुष्ट हो, लेकिन फिर भी हमारा मन संतुष्ट नहीं होता है। क्योंकि इस दुनिया में पूर्ण रूप से सुखी कोई भी नहीं है। कोई तन से दुखी है तो कोई मन से दुखी है, तो कोई धन के लिए दुखी है। सुख का अनुभव पाना हर कोई चाहता है, दुख का अनुभव हर किसी के पास है, लेकिन संतुष्ट कोई भी नहीं है। क्योंकि जिस मोह जाल में हम फंसे हैं उससे निकलना बहुत मुश्किल है। माया बहुत चंचल होती है जो हमें इस जाल में उलझाए रहती है। माया तो उस ईश्वर को भी नहीं छोड़ती, तो आप तो फिर भी एक इंसान हैं। अगर आपको मुक्ति पानी है तो जिस बंधन में आप जकड़े हुए हैं, ये मोह माया का बंधन, रिश्ते नातों का बंधन, इससे आपको खुद को मुक्त करना होगा। लेकिन हम इस बंधन में जकड़े रहना ही अच्छा समझते हैं, क्योंकि हमें अच्छा लगता है इस बंधन में जकड़े रहना, क्योंकि ये सब कुछ हमारे मन के अनुसार होता है। हम अपने मन के वशीभूत हो जाते हैं, जो वो हमसे चाहता है वही हमसे कराता है। लेकिन हमारे जीवन का सही उद्देश्य है उस परमात्मा को पाना, और हमें ये जन्म मिला भी इसीलिए है। लेकिन मोह माया को छोड़ पाना कोई सहज कार्य नहीं है, उसके लिए खुद को कष्ट देना पड़ता है और कष्टों से गुजरना पड़ता है, तब कहीं हमें आत्मिक सुख का अनुभव होता है। लेकिन जिस दिन हम आत्मिक सुख का अनुभव करते हैं, उस दिन हर सुख को, हर सांसारिक सुख को भूल जाते हैं। उस ईश्वर ने हमारे शरीर में 9 दरवाज़ों को बनाया है जो दिन रात खुले रहते हैं, जो इस बाहर की दुनिया को देखते हैं और इसी में लीन रहते हैं। लेकिन जो मुख्य दरवाज़ा है वो 10वां द्वार है, जो सीधा उस मालिक तक जाता है। जब तक ये 10वां दरवाज़ा हमारा नहीं खुल जाता, तब तक हम उस मालिक का दर्शन नहीं कर सकते, क्योंकि यही वो दरवाज़ा है जो हमें उस परमात्मा तक ले जा सकता है। जब हमारा 10वां दरवाज़ा खुलता है, तभी आत्मा और परमात्मा का मिलन होता है। दिन भर हर इंसान अपने काम में व्यस्त होता है, मेहनत करता है, मजदूरी करता है, ताकि वो अपने परिवार का गुजारा चला सके। लेकिन रात्रि का समय एक ऐसा होता है जब आप उस मालिक को याद कर सकते हैं, उनका ध्यान कर सकते हैं, तो अपने जीवन के इस कीमती समय को गंवाएं नहीं। उस परमात्मा का ध्यान करें, उनका नाम जपें। जब हम ध्यान करेंगे तभी हमारा वो 10वां दरवाज़ा खुलेगा, जो हमें उस परमात्मा में सदा सदा के लिए मिला देगा। जब आत्मा और परमात्मा एक हो जाएंगे, तब हम जन्म और मृत्यु के चक्र से मुक्त हो जाएंगे। फिर ना जन्म का डर होगा, ना मृत्यु का भय होगा। इन 84 लाख योनियों से हमारा छुटकारा हो जाएगा। लेकिन अगर मानव जन्म पाकर भी हम उस परमात्मा का ध्यान ना कर पाए, तो हमें फिर से इसी झंझटों में उलझना होगा, 84 लाख योनियों को फिर से भोगना होगा और फिर से इस जन्म मृत्यु के चक्र में फंसना होगा। इसलिए ये जन्म बहुत अनमोल है, और अपने जीवन को सफल बनाएं ताकि हम जन्म और मृत्यु के चक्र से मुक्त हो जाएं। तो उस परमात्मा को याद कीजिए, उनका ध्यान कीजिए, क्योंकि यही हमारे जीवन का सही उद्देश्य है। जिस दिन आत्मा का और परमात्मा का मिलन होता है, उस दिन हम हर सुख को भूल जाते हैं। अगर परमात्मा को पाना है तो इस बाहरी मोह माया को छोड़कर खुद में ही लीन होना होगा, खुद को ही तराशना होगा, अपने अंदर ही खोजना होगा। क्योंकि ईश्वर कहीं बाहर नहीं। जिस शांति की खोज आप बाहर करते हो, वो हमारे मन के भीतर है, और परमात्मा कहीं बाहर नहीं है,
वो हमारी अंतर आत्मा में ही निवास करते हैं। बस हमें कोशिश करनी है उनको पहचानने की, उन तक पहुंचने की। जो सबसे आसान तरीका है वो है ध्यान साधना। ध्यान साधना से ही हम उस परमात्मा को पा सकते हैं और अपने जीवन को सफल बना सकते हैं। सदा खुश रहें, सदा जपते रहें। ओम साईं राम, हर हर महादेव। शुभ रात्रि मेरे बच्चों।